आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन होंगे उद्धव गुट में शामिल। मातोश्री में उद्धव ठाकरे से गर्मजोशी भरी हुई मुलाकात, मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पूर्व रघुराम राजन क्या राजनीति में एंट्री लेने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी एमवीए में सीट शेयरिंग की चर्चा के दिन ही शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे से रघुराम राजन की मुलाकात के बाद राजनीति गर्मा गई है। राज्य के सियासी हलकों में चर्चा है कि शिवसेना यूबीटी मुंबई में किसी अहम सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाने जा रही है। अर्थशास्त्री और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने 30 जनवरी देर रात महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनके घर पर मुलाकात की। इससे पहले ही महाविकास आघाड़ी के घटक दलों की सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हुई थी। इसमें वंचित बहुजन आघाड़ी को शामिल करने का फैसला किया गया था। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की तरफ से मातोश्री में उद्धव ठाकरे और रघुराम राजन की मुलाकात को एक शिष्टाचार भेंट बताया है, लेकिन इसके बाद भी राज्य के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। शिवसेना यूबीटी के नेता और अन्य महाविकास आघाड़ी एमबीए के बड़े नेता इस बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। बांद्रापुर में स्थित पारिवारिक घर मातोश्री में उद्धव ठाकरे पत्नी रश्मि, उनके बच्चों, युवा सेना प्रमुख और वर्ली विधायक आदित्य के अलावा पर्यावरणित तेजस के 60 वर्षीय रघुराम राजन का फूलों या गुलदस्ता लेकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पार्टी पदाधिकारियों ने दावा किया कि सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई बैठक में आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा हुई, हालांकि विवरण सामने नहीं आया। रघुराम राजन को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह की पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा सितंबर 2013 में 23वें आरबीआई गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल सितंबर 2016 तक था। इससे पहले रघुराम राजन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए थे। उन्होंने राहुल गांधी के साथ इंटरव्यू भी किया था।